It won't be a Zayd blog if it doesn't start off with a cafe. I mean, to be fair, ये एक bubble tea shop है. But you get the point. Okay, I've just realized कि हमने कल कुछ ज़्यादा ही cram करने की कोशिश कर ली. Like we had a long flight. उसके बाद एक लंबा चौड़ा layover Singapore airport पे, जहाँ पर भी mostly हम walk कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह. फिर उसके बाद another long flight. फिर उसके बाद एक घंटे की train यहाँ तक आने के लिए. फिर यहाँ पर आते ही हम cab से Victoria Peak चले गए. फिर वहाँ से tram से नीचे आए. फिर central mid level elevator चले गए. फिर उसके बाद Soho चल. Bro, by the time we reached our Airbnb, we were finished. हम आते ही सो गए थे, which is the reason why कि आज मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठाऊँ. ये 10 बजे उठा था because इसका refill time मेरे से ज़्यादा है. When you nut, देखो वापस boner मिलने में कितना time लगता है? 17 सेकंड. हो ही नहीं सकता. सोफे पे सो गया था, 10 घंटे सोया तू. So, सुबह से I have only had a strawberry Greek yogurt and this. So, I think we are going to go to a spot to have a full proper breakfast. तो कल शाम को हम जिस जगह गए थे उन्होंने फूड सर्व करना बंद कर दिया था रात 10:30 बजे के बाद. एक तो मैं स्टिल गेट सरप्राइज बाय थिंग्स क्लोज सो अर्ली इवन इन बिग सिटीज लाइक हांगकांग. लाइक मे बी इट्स बिकॉज मुझे मुंबई की आदत हो चुकी है अब जहाँ रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते हैं, कुछ कुछ तो ओवरनाइट, बट यहाँ मोस्टली सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे कल रात. मुश्किल से जाके एक बर्गर प्लेस मिली थी, वहाँ बैठकर हमने कोई फ्राइड चिकन बर्गर खाया था जिसमें वैसे भी पेट नहीं भरा. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव दिस, देन वी आर गोइंग टू हेड टू सेंट्रल हांगकांग. वी माइट टेक अ फेरी एंड फेरी लेके हम TST जाएंगे. उसका फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा मैं. वहाँ पे काफी सारी चीजें हैं घूमने के लिए इंक्लूडिंग स्नीकर स्ट्रीट. वहाँ पे पूरी स्ट्रीट स्नीकर के शॉप से भर रखी है. जॉर्डन्स यीजीज सब मिल जाएंगे वहाँ पे. अगर मुझे कोई पसंद आया तो मैं लेके जाऊंगा. भाई वो एक प्लेट हमको 1900 की पड़ी है और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. देखो पसंद आई ना तू वो 1900 की 1900 इससे बढ़िया स्टारबक्स चल जाते. ओके जैद फ्रॉम फ्यूचर हेयर. इस क्लिप में मैं कंप्लेन कर रहा हूँ हाउ दिस मील कॉस्टेड 1900 रुपीज, बट द फनी थिंग इज ओपनिंग शॉट में जो मैं बबल टी पी रहा था वो 2000 की थी. ब्रो हांगकांग इज अ फकिंग जोक. तुम्हें झाग वाले चाय के लिए भी 2000 पे करने पड़ेंगे. Is this going to Pedder Street? This one? Yes. Okay. तो हमारे कैब से बहुत बहुत ज्यादा लग रहे थे. हर जगह जाने के कम से कम 800-1000 रुपए लग रहे थे. सो वी मेड दिस ऑक्टोपस कार्ड. आई मीन इसको बनाने में $400 लगे हैं जो कि अराउंड 4000 रुपीज है, बट जो ट्रैम की राइड्स हो रही हैं those are only like 30 रुपीज. तो ऐसी 30 रुपए वाली हम कितनी भी राइड्स कर सकते हैं और जितने पैसे बच जाएंगे वो हम एयरपोर्ट पे कार्ड रिटर्न कर सकते हैं और बाकी का हमको रिफंड मिल जाएगा. भाई सीटी नहीं बची. आई डोंट थिंक कहीं भी है. नहीं है यहाँ कहीं भी. ओके दैट वॉज गुड, बट आई एम वंडरिंग कि पे कहाँ से करना है. पे नहीं करना क्या, फ्री था क्या? आई मीन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, भाई मैं तो लिखा था कुछ 200 रुपए का होता है. आई मीन मे भी हो सकता है संडे हो तो फ्री हो. अभी हम हैं हंग एस्टेट पर. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट सीनिक बैकड्रॉप्स इन द सिटी. हम यहाँ पर इसलिए आए हैं बिकॉज दिस इज क्लोज टू मॉन्गकॉक विच इज वेयर स्नीकर स्ट्रीट इज, एंड हम यहाँ से वहाँ बस से जाएंगे.
चाहिए थे वो हैं यहाँ पर। ये दोनों मेरे फेवरेट है, बट द थिंग इज ये सस्ते तो है ही नहीं, 25,000 के भाई। इसका रिटेल प्राइस 9,000 है। मुझे लगा यहाँ पे सस्ते मिलेंगे, इंडिया में भी सेम ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लेने का क्या फायदा। मुझे जेन्युइन लगा था यहाँ सस्ते मिलेंगे। तो मैंने काफ़ी सोचा एंड आई डिडंट एंड अप बाइंग द इजी, बेसिकली वो क्ले टॉप वाले थे। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं कोलाबा कॉजवे पे, नहीं कॉजवे बे, सॉरी कॉजवे बे। मैं बोलूँगा काफ़ी वॉकेबल एरिया है, बट द थिंग इज ये पूरा सिटी बहुत वॉकेबल है। हम कम से कम 20-30,000 स्टेप्स चल रहे हैं। हम ट्रैम से जा रहे हैं वापस, ट्रैम से 30 मिनट लगेंगे। आई एम सो ग्लैड कि हमने ये बनवा लिया भाई, सब कुछ पे हो रहा है इससे, ट्रैम बस MTR फूड भी। भाई हमने अभी सुशी ली थी इससे, दिस इज प्रॉब्ली देयर इक्विवेलेंट ऑफ UPI। अभी हम स्टारबक्स से बाहर आ रहे थे थोड़ी देर पहले, अपन कैमरा सही करने के लिए रुके, पीछे से एक बंदा आया, क्लियरली हांगकांग रेजिडेंट था, तो वो था फक ऑफ भैंचोद। भाई वो सही में भैंचोद बोल के गया हमको, उसको पता चल गया होगा इंडियन है। कैसे? इंडियन या फिर पाकिस्तानी। सो बारिश होने लग गई थी, हमने अम्ब्रेला खरीद लिया 7-Eleven से, अब तो रुक भी गई भाई बारिश। एंड वी हैव 15 स्टॉप्स टू गो, आधा घंटा ट्रैप। खिड़कियां बंद नहीं हो सकती क्या? मुंह पे पानी आ रहा है। Can I have chicken korma, chicken tikka and 3 tandoori roti? Do you have Coke Zero? Take the regular Coke bhi kar lo. Automatically assume kar liya ki Hindi aati hogi. I just feel like अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स इंडिया वाले हैं ना, तुमको एशियन फूड ये सब पसंद नहीं आने वाला। अगर तुम वॉशरूम से बाहर आते हो एंड इट्स नॉट अ मर्डर सीन, देन इट्स प्रॉब्ली नॉट गुड फूड। ऑब्वियसली मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज माय बॉडी कैन हैंडल इट। व्हाट माय बॉडी कांट हैंडल इज मीडियोकर फकिंग फूड। इसलिए हम आए अलादीन मेस, हांगकांग का सबसे फेमस इंडियन रेस्टोरेंट। बाय द वे मेरे को काफी टेक्स्ट आ रहे हैं कि भाई अब सिंगापुर में हो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको सिंगापुर घुमाऊंगा। आई अप्रिशिएट इट, बट मेरा सिर्फ लेओवर था सिंगापुर में, मैं एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकला। एनीवेज आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो। See you. भाई मुझे ईजीज ले लेना चाहिए था। भाई वो खाना 3,000 का था। Bro, what the fuck is this city, man? भाई मुझे वापस इंडिया जाना है इससे पहले कि मेरा बैंक अकाउंट एकदम शून्य हो जाए। ओके सो वी हैव चेक्ड आउट ऑफ आवर एयरबीएनबी। हमारा चेकआउट टाइम था 10 बजे सुबह के, अभी बज रहे 11:07। मैंने 8:30 का अलार्म लगाया था बट बजा ही नहीं फॉर सम रीजन। हम तभी उठे जब ओनर लिटरली बार्ज इन द एयरबीएनबी। 2 दिन 23,000 रुपए, स्टूपिडली एक्सपेंसिव, बट टू बी फेयर यहाँ हर एक चीज एक्सपेंसिव है। 2 जनों का खाना हमेशा 2-3,000 रुपए लगता है। कैब से यूजली हर जगह के 500-1,000 रुपए लगते हैं, चाहे 2-3 किलोमीटर ही क्यों ना हो। एंड प्लस ये सेंट्रल से बहुत पास है, लाइक हर चीज यहाँ से रिलेटिवली पास ही है, टू बी ऑनेस्ट। What the fuck? Because we have a metro station very close by, we have a tram station very close by. अभी हम जा रहे हैं पास में एक storage facility जहां हम अपने bag drop कर सकें, and then we are heading to one of the most iconic location of Hong Kong. Yeah, that did not went according to plan. Basically, इस दिन typhoon का warning आ गया था, due to which almost every single thing was closed. Which is why तुम्हें मेरे पीछे सारी दुकानें बंद दिख रही हैं and सड़कें खाली दिख रही हैं, जो कि Hong Kong में बहुत rare है. But either way, we continued our journey. ओके वी हैव जस्ट ड्रॉप्ड ऑफ आवर लगेज, सो अभी 1:30 बजने वाले हैं, हमको एयरपोर्ट के लिए निकलना है 5:30 बजे। सो देखते हैं तब तक क्या क्या कर सकते हैं। Guys, I've just realized, यहाँ पे पानी सस्ती लूकोजेड है। लूकोजेड पानी 10.5, 105 रुपीज। लूकोजेड 7.5, यानी 75 रुपीज। What the fuck? Ayo Prime, there's a gap here. ये कोकोला प्लस क्या है? ये मैंने वो इंडियन रेस्टोरेंट में भी देखा था। और गोल्ड कोकोला? अल्टीमेट कोकोला भी है। लीग ऑफ लेजेंड्स। Ayo Hongkong is weird, bro. ओके ब्रो व्हाट द फक, हम इतनी दूर से यहाँ पर आए ऑस्ट्रेलिया डेयरी के लिए, ये बंद क्यों है आज, सारी चीजें बंद क्यों है? ब्रो आई एम सो फकिंग पिस्ड ब्रो, दिस वुड हैव बीन सो सिक, लाइक दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट्स इन हांगकांग। लाइक इनकी पुडिंग, स्क्रैम्बल्ड एग्स, कस्टर्ड एंड बहुत थिक टोस्ट बहुत फेमस है। एंड जिस चीज के लिए ये रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है एंड द लाइन मूव्स वेरी फास्ट, बिकॉज जैसे ही तुम्हें खाना मिलता है तुम्हें झट से झट खाना खा के निकलना है, वरना स्टाफ तुम्हें डांटेगा, क्योंकि उससे फिर लोग जल्दी जल्दी आते हैं, कोई ऐसे खाना खाते टाइम मोबाइल पे नहीं बैठा रहता। बट व्हाई द फक इज इट क्लोज्ड?
कुछ फ्लेवर ही नहीं है भाई, चिकन भी है या कुत्ता। गाइस वी हैव टू रियलाइज आवर प्रिविलेज, वी इंडियंस फूड के मामले में वी आर ब्लेस्ड। जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, ऑल आई गेट इज डिसअपॉइंटमेंट। इमेजिन अगर इन्होंने समहाउ कोक भी फक कर दिया, कोक भी इट डजंट टेस्ट द सेम ब्रो। ओके एटलीस्ट क्रोसॉन तो अच्छा है। ओके मैंने गूगल पे हांगकांग टाइप करा एंड इट शोज ट्रॉपिकल साइक्लोन हांगकांग शट्स डाउन एज फर्स्ट T8 सिग्नल ऑफ द ईयर होइस। आह ब्रो फ्लाइट की ऐस की तैस ना हो जाए। राइस कम आई एम श्योर दैट्स कैजुअल रेस। आई एम सॉरी। ओके इसके बाद हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पूरा सिटी शट डाउन हो गया था उस दिन। सो वी जस्ट हेडेड टू एयरपोर्ट टू कैच आवर फ्लाइट, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। फाइनल रिव्यू ऑफ हांगकांग, आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस, बट यस इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि लोग यहाँ रहते क्यों हैं, प्रॉपर्टी क्यों बाय करते हैं इफ इट्स सो एक्सपेंसिव, वन मेजर रीजन इज दैट हांगकांग हैज सम ऑफ द लोएस्ट टैक्स रेट्स इन द वर्ल्ड। बट एज अ ट्रैवल डेस्टिनेशन आई रियली लाइक द कल्चर, स्पेशली सोहो सेंट्रल हांगकांग इज अ ग्रेट प्लेस टू जस्ट वॉक एंड सी द नाइस बिल्डिंग्स रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। इवन दो फूड मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, बट दैट्स जस्ट माय इंडियन टेस्ट बड्स। आई वुड से दो द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हांगकांग इज जेन्युइनली 10/10। मेट्रोस ट्रैम्स बसेस सबकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है एंड इट्स वेरी चीप। ट्रैम्स में तुम कितना भी देर बैठो सिर्फ 30 रुपए ही लगेंगे, विच इज कूल। सो या दिस वॉज हांगकांग, होपफुली यू एंजॉयड, लीव अ लाइक सब्सक्राइब ऑल दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।